सीए के विरोध के सहारे कई महीनों तक और काफी दिनों तक शाहीन बाग को कब्जे में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और सीए के समर्थन में अपनी रैली और यात्रा निकालना चाहते हैं तो आपको पुलिस की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली में शाहीन बाग में किसी पुलिस की परमिशन नहीं ली गई, किसी सरकार से नहीं पूछा गया और आज 40 दिन बाद भी शाहीन बाग को हाईजैक करके रखा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत में जब सीए के समर्थन में एक यात्रा निकाली गई तो उस यात्रा को रोक दिया गया और पुलिस ने कह दिया कि ये यात्रा परमिशन के बगैर निकाली जा रही है। तिरंगा यात्रा बिल्कुल निकालेंगे, 100% निकालेंगे। तिरंगा यात्रा करना कोई जुलम है क्या? बागपत में एबीवीपी कार्यकर्ताओं को तिरंगा यात्रा निकालने से रोक दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और उनसे परमिशन दिखाने के लिए कहा। एक तरफ तो शाहीन बाग में काफी दिनों से विरोध और प्रदर्शन चल रहा है और वहां पर ना तो किसी की परमिशन ली गई और ना ही किसी सरकार से पूछा गया, लेकिन बागपत में जब एबीवीपी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा सीए के समर्थन में निकालने के लिए चले तो पुलिस मौके पर आ पहुंची और परमिशन दिखाने की बात कहने लगी। इसी के बाद बीजेपी के नेता विफर गए और इससे पूरे मामले को लेकर दिल्ली तक जाने की बात कहने लगे। उन्होंने कहा कि वो इस तिरंगा यात्रा को लेकर दिल्ली तक जाएंगे और इसे निकालने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारा तिरंगा यात्रा करने का इस राष्ट्र हित में हमारा जो मन है उसे हम पूरा कर करेंगे। हमें किसी मतलब हमें प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन को भी हमसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम कोई ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकते जिससे प्रशासन को कोई और हमसे कोई दिक्कत हो। आज हमारी तिरंगा यात्रा थी बड़ौत में 4 फरवरी, और पहले हमारी तिरंगा यात्रा 26 जनवरी में थी। 26 जनवरी में कैंसिल कर प्रशासन ने 4 जनवरी को हमें परमिशन दी थी। आज हमारी परमिशन इन्होंने कैंसिल कर दी गई है। जब दिल्ली के शाहीन बाग में धरना, देश के विरोध में धरना दे सकते हैं वामपंथिया, क्या हम अपने देश में तिरंगा यात्रा नहीं काट सकते? हाँ, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से जो है रखा गया था, लेकिन इनको परमिशन नहीं मिली है तिरंगा यात्रा निकालने के लिए। फिर भी आज जो है यहाँ चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इतना फोर्स लगाया गया है ताकि जो है ये उसका विरोध ना करें। दिल्ली के शाहीन बाग में सीए का विरोध करने के लिए ना तो किसी की परमिशन ली गई ना ही किसी सरकार से पूछा गया, लेकिन बागपत में यहां पर पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकालने वालों से परमिशन मांग ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में धरना देने वालों के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। वो लगातार सीए का विरोध करने वालों पर तीखे हमले कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिस का तिरंगा यात्रा को रोकना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। सवाल है कि पुलिस को तिरंगा यात्रा निकालने से क्या दिक्कत थी? बागपत से टीम एन भारत। सवाल ये उठता है कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में जाकर कह रहे हैं कि हम अराजक तत्वों को उनके तरीके से समझाते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पुलिस लोगों को सीए के समर्थन में यात्रा निकालने से रोक रही है। अब सवाल है कि कौन सही काम कर रहा है और कौन सही बोल रहा है।